चीन को सजा देने जा रहा है अमेरिका। ट्रंप ने चीन को दी नए टैरिफ की चेतावनी, बर्बाद हो जाएगा चीन। जी हाँ, बात करेंगे इसी खबर पर। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। इस समय कोरोना महामारी की मार झेल रहे अमेरिका इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जॉन हॉपकिंस के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या मंगलवार को 58,000 से पार हो गई, जो 20 सालों तक वियतनाम में चले युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों से ज़्यादा है। इसी से अमेरिका बुरी तरह बौखला गया है और लगातार WHO और चीन पर हमले कर रहा है। कोरोना से हो रही जनधन की हानि के लिए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार मानते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर दी है। ट्रंप चीन को ऐसी सजा देना चाहते हैं जिसे वो लंबे समय तक याद रखे। ट्रंप ने अपने सहायकों को निर्देश दिए हैं कि विदेश व्यापार की नई नीति बनाई जाए, चीन को दी जा रही व्यापार सुविधाओं को वापस लेने का खाका तैयार किया जाए, इसके अलावा चीन को दी गई क्रेडिट लाइन को रद्द किया जाए। ट्रंप ने चीन पर ईरान की तरह ही प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। दरअसल ट्रंप की मंशा है कि चीन पर एक साथ इतने प्रतिबंध लगाए जाएं जिससे उसकी कमर टूट जाए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी ने कहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को शीघ्र ही दुरुस्त कर लेंगे। हमें मालूम है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता है। हम चीन को बता देंगे कि कोरोना वायरस पर उठाए गए कदम ना केवल ना काफी बल्कि दुनिया को धोखा देने वाले थे, इसलिए उसको दंड मिलना ज़रूरी था। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इन कदमों से अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां दबाव में हैं। उन पर दबाव है कि वो ऐसे सबूत ढूंढकर लाएं जिससे ये साबित हो जाए कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से ही लीक हुआ था। गौरतलब है कि व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग में ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए थे कि अमेरिका चीन पर नए टैरिफ लगाने जा रहा है। ट्रंप तथा कई अन्य देशों का मानना है कि अगर चीन ने समय रहते सही जानकारी दी होती तो दुनिया में इतने निर्दोष लोगों की जान ना जाती। अमेरिका में 10 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 62,000 से ज़्यादा अमेरिकियों की मौत कोरोना से हो चुकी है। ट्रंप ने कई बार जोर देकर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिली भक्त करके चीन ने कोरोना वायरस को फैलने का मौका दिया। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सही समय पर चेतावनी जारी की होती तो शायद ये महामारी इतनी भयंकर ना होती। ट्रंप ने इसी आरोप के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली सहायता राशि भी बंद कर दी है। अब ट्रंप प्रशासन चीन को दंडित करने की योजना बना रहा है।